नमस्ते, कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल पैकेट में मिलने वाले जैसे बिंगो चिप्स मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप घर में बनाइए और वो भी फटाफट से, आपको 10 से 20 मिनट में बन जाते हैं चिप्स। देखिए कितने अच्छे से बने हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। दो आलू ले ली हूँ। देखिए आलू को छील लेना है अच्छे से। धुले हुए दो आलू हैं, बिल्कुल आपको बिंगो चिप्स मिलते हैं, पोटैटो चिप्स बाहर में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे इसको। अगर ऐसा स्लाइसर हो तो स्लाइसर से आप इसे चिप्स काट लेना है, इस तरह से कट कर लें। और सारे चिप्स जो हैं इसी तरह से बना लीजिए, उसे वॉश कर लेना अच्छे से, 2 से 3 बार धो लेना। इसका पाउडर सा निकलता है ना, पूरा निकल जाए इसका ध्यान रखें। देखिए पानी साफ हो गया इस तरह से, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही धो लीजिए आप। अब आगे देखते हैं, एक मोटा सा कॉटन का कपड़ा या टॉवल होगा साफ, तो उसके ऊपर इसे डाल दीजिए धुले हुए चिप्स को, आलू चिप्स को इसमें डालकर इसे अच्छे से पोंछ लीजिए, ताकि जो ऊपर में पानी है, अभी हम पानी से बाहर किए ना, तो ये पानी पूरा निकलते तक इसको सुखाना बिल्कुल नहीं है। जब भी खाना हो ऐसा फटाफट आप बना सकते हो बच्चे के लिए। देखिए इसका ऊपर का वाटर जो है पूरा पोंछ लिए हम। अब ये रेडी है तैयारी, आगे का देखते हैं। इस तरह से पूरे साफ करके रख ले। अब चलिए आगे देखते हैं, आप किचन की साइड चलेंगे। एक फैन को ऑयल से ऑयल आधा डालकर अच्छे से गरम कर लीजिए ऑयल को। उसके बाद हाई टू मीडियम ही इसको गैस फ्लेम को रखने के बाद इसको तल लेना है। आपको तलते समय पता चलेगा, जैसे पलटते पलटते इसको चलाते हुए तल लीजिए, लो में कुक ना करे, फ्राई ना करे इसे। तलते समय आपको पता चल जाए, जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो कुरकुरे से एकदम क्रिस्पी से लगेंगे चिप्स, तब आप इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए। देखिए कुरकुरे से बन गए हैं, इसको तलने में 5 मिनट भी नहीं लगा मुझे। अब ये तैयार है, अब सारे चिप्स को निकाल लीजिए तेल से। इसी तरह से ऑयल में सारे चिप्स तलने के बाद आगे देखते हैं। देखिए 2 से 3 पिंच रेड चिली पाउडर और नमक है, ये साल्ट है, दोनों को मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो, मैं अपने बाबू के लिए बना रही हूँ, तो कम कम मिर्ची और नमक कम डाल के इसके लिए बना रही हूँ, बाबू के लिए, इसको ऐसे पसंद है। तो आप बिल्कुल इसमें तले हुए चिप्स डालकर, हल्के फुल्के मसाले हैं, जैसे मसाले में कुछ नहीं, रेड चिली पाउडर और साल्ट हो गया, ज़रा सा चाट मसाला हो तो डाल सकते।